साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप जीत गया। नहीं, ये नहीं हो सकता यार, ये हुआ भी नहीं। साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार किसी ICC वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, लेकिन इन्होंने तो हक दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के एक स्पेशल एपिसोड में। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं द कीरा शो। साउथ अफ्रीका का शो एक बार फिर से फ्लॉप हो गया। पहले तो ये नॉकआउट मुकाबलों में ही आउट हो जाते थे, लेकिन पहली बार किसी ICC टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचे थे। उनसे ज्यादा तो हम खुश थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ये वर्ल्ड कप हारेगी, लेकिन जो हमेशा की तरह होता है वही हुआ और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। मिरेकल। इसमें मिरेकल जैसा कुछ नहीं था। ये कारनामा ऑस्ट्रेलिया की टीम इससे पहले 5 बार कर चुकी है। कैसे, तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। ICC वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, तो दूसरी तरफ से साउथ अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को हराया और पहली बार फाइनल का टिकट कटाया। ये टिकट, मतलब ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि साउथ अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास में कोई भी टीम, यानी कि मेंस हो या वुमेन्स, फाइनल में नहीं पहुँची थी, लेकिन वुमेन्स टीम ने ये कर दिखाया। फाइनल मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों टीम तैयार थी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत शानदार रही। 36 रन पर एजे हेली नामक पहला विकेट गिरा, 82 रन पर ए गार्डनर का दूसरा विकेट गिरा, 103 पर जी हैरिस का तीसरा विकेट गिरा और ऐसे ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट गिरे। लेकिन इनमें सबसे खास बात यह थी कि ओपनर बैथ मुनी शुरुआत से लेकर अंत तक खड़ी रही। मुनी ने अपने पैर अंगद की तरह जमा लिए थे, जिसे कोई भी अफ्रीकी गेंदबाज उन्हें आउट नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि मुन्नी ने 53 गेंद में 74 रन बनाए, वो भी नाबाद, और ऑस्ट्रेलिया को 156 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। जवाब में अफ्रीकी टीम शुरुआत से ही प्रेशर में नजर आई। नतीजा ये था कि पहले 10 ओवर में 50 रन ही बना पाई। रन रेट की कमी होने से प्रेशर और बढ़ गया। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम लोरा पर निर्भर थी। लोरा बोलबैंड ने 48 गेंद में 61 रन बनाए, लेकिन उसके आउट होते ही तो सारी उम्मीदें जैसे शीशे की तरह टूट गई और अफ्रीकी टीम 19 रन से ये मैच हार गई। हार का एक कारण ये भी था कि सभी अफ्रीकी बल्लेबाजों ने रन से ज्यादा तो गेंद खाई। ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम ने लगातार तीसरा और वैसे चौथा T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। प्लेयर ऑफ द मैच बनी बैथ मुनी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब एशली गार्डनर को मिला। ICC ट्रॉफी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले इतने कप जीते हैं जितने तो 3-4 टीमों को मिला दे तो भी कम पड़ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम ने 7 ODI वर्ल्ड कप, 6 T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर रखे हैं। वहीं मेंस टीम की बात करें तो 5 ODI वर्ल्ड कप, 1 T20 वर्ल्ड कप और 2 चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर रखी हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ICC ये टूर्नामेंट्स बस ऑस्ट्रेलिया के लिए कराती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमारी लड़कियां कोई ICC का कप उठाएंगी और हम भी बोलेंगे चोरी से कम है। ऐसे कमी तो अभी आपके प्यार की भी है, तो थोड़ा सा प्यार हमें भी दे दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। और अब बारी है आज के सवाल की। तो आज का सवाल ये है कि एशली गार्डनर को WPL में कौन सी टीम ने खरीदा है। सही जवाब को कमेंट में पिन कर दिया जाएगा और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते को नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।